सोलन की कारगिल कॉलोनी में नेशनल सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। सफाई कर्मी सुबह से लेकर शाम तक गंदगी के बीच रहते हैं, जिसकी वजह से उनके बीमार होने का डर हमेशा बना रहता है और इसी वजह से वह ज्यादातर बीमार भी रहते हैं। इसीलिए यह शिविर विशेषतः सफाई कर्मियों के बिगड़ते स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर लगाया गया, ताकि सफाई कर्मी अपने स्वास्थ्य की निःशुल्क जाँच करवा सके। इस मौके पर सफाई कर्मियों ने कर फायदा उठाया और साथ ही निशुल्क दवाइयां भी प्राप्त की। स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत सोलन में आदर्श नगर में मनाया गया। यहां पे हमारे विभिन्न डॉक्टर आए हुए हैं, वो सारे हमारे सफाई वर्क के लोगों को चेक कर रहे हैं, उनकी आंखें चेक कर रहे हैं, किसी को स्किन की दिक्कत है वो दिख रहे हैं, किसी को सांस की दिक्कत है उसका वो चेक कर रहे हैं। साथ ही में यहाँ पे चश्मे भी बांटे जाएंगे जो कि फ्री है, और 5 दिन की दवाई सबको मुफ्त मिलेगी। ये पूरा का पूरा खर्चा हमारा निगम राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय विकास निगम उठाता है। अधिक जानकारी देते हुए स्वास्थ्य शिविर के संयोजक ने कहा कि कैंप सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लगाया गया है। उन्होंने कहा कि जो सफाई कर्मी खुद गंदगी में रहकर शहर को सुंदर बनाते हैं, उन्हें अपने स्वास्थ्य की बिल्कुल भी चिंता नहीं होती है और वह ज्यादातर बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। इसीलिए मुख्यतः आज स्वास्थ्य कर्मियों के लिए चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सफाई कर्मियों को निःशुल्क चिकित्सा के साथ साथ निःशुल्क दवाइयां भी दी जा रही हैं। नेशनल सफाई कर्मचारी वित्तीय निगम दिल्ली के सहयोग से आज यहाँ आदर्श नगर में एक स्वास्थ्य जांच का निशुल्क केंद्र हम चला रहे हैं, और इसमें जो सफाई कर्मचारी स्केंजर जो है, जो सिर पे मैला ढोने वाले लोग हैं, उनके और उनके परिवारों पे जो आश्रित उनके परिवार हैं, उसके लिए ये केंद्र सरकार की एक योजना के तहत कार्यक्रम किया जा रहा है, और इसमें हमने प्रतिष्ठित डॉक्टरों को बुलाया है और निःशुल्क यहाँ पर सबकी जाँच की जा रही है, और जाँच के बाद जो डॉक्टर दवाइयाँ लिख रहे हैं वो भी निःशुल्क यहाँ पर दी जा रही है।